स्टैंडर्ड 6। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रीड अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ कंप्यूटर वर्क। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में हम आपको एक और ओवरऑल आइडिया दे देते हैं। पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ा था और कंप्यूटर वर्क एंड कंप्यूटर काम कैसे करता है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम दो तीन स्मॉल टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमें पता है कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स होते हैं यानी जो नेसेसरी यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक जनरली चार पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज डेटा, फोर्थ वन इज यूजर। ये चारों क्या होते हैं, ये चारों हमारे मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का डेफिनेशन जानते हैं, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का वैसा पार्ट जो फिजिकली है, यानी कीबोर्ड माउस, यानी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो आप किसी एप्लीकेशन को यानी सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, लेकिन आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर। तो डेफिनेशन क्या होता है आपका, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर, और द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड माउस एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, यानी पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है उसका पहला पार्ट प्लेन। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर कह लीजिए, एप्स कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, तीनों नाम अलग है मीनिंग एक ही। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, यानी किसी भी पार्टिकुलर किसी खास वर्क को करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोटो बनाना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है काम कंप्यूटर में, तो आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, यानी हार्डवेयर चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, पेंट, एमएस पेंट नाम का सॉफ्टवेयर, वो हमारा क्या हुआ, वही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी हम यूज करते हैं। अगर हम एंड्रॉयड या मोबाइल का बात किया जाए, तो मोबाइल में हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, यानी जितने भी है, ये सारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर जो जनरली हम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो कौन यूज करते हैं, विंडोज। तो उसके एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ये सारे क्या हो गए इसके, सॉफ्टवेयर। तीसरा है डेटा। डेटा मतलब, तो डेटा का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, यानी जो भी डेटा, अगर सिंपल वर्ड में डेटा समझे तो क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे कि आप अपना अपने बारे में इंट्रो दीजिए, यानी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका डेटा होगा। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, और डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम वर्क करते हैं किस फॉर्म में होता है, डेटा के फॉर्म में होता है। जैसे कंप्यूटर में अगर हम कुछ वीडियो या म्यूजिक या पिक्चर ये स्टोर करके रखें, तो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। फोर्थ वन इज यूजर्स। यूजर्स का मतलब क्या होता है, जो डेवलप करते हैं, डेवलप मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे यूजर्स। और यूजर्स को और क्या कहा जाता है, स्किन वेयर और लिफ्ट वेयर, ह्यूमन वेयर, यानी जो प्रोग्राम से इंटरकनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम जनरली यूजर्स कहते हैं। ये हमारा हो गया आज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कंप्यूटर कैसे किस पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है आईपीओ पर। आईपीओ क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसको
चलिए पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन चलिए फिर आपको एक बार और डिटेल्स में बता देते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट यानी आईपीओ कैसे वर्क करता है। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंप्यूटर में हमें कैलकुलेशन करना है। कंप्यूटर में क्या करना है? कैलकुलेशन करना है किसी भी नंबर का 20+30। ठीक है, ये हमें कंप्यूटर में हम जाएंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे, कंप्यूटर में कैलकुलेटर नाम के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और हम इस वैल्यू को क्या चाहिए, हमें दो नंबर को ऐड करना है 20+30। हमें पता है वैल्यू कितना है 50, लेकिन ये आया कैसे, यानी जो ये 50 है ये रिजल्ट हमें कैसे आया, तो हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो इनपुट हम कैसे किससे देते हैं? इनपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस क्या होगा? कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग डिवाइस कितना होता है? याद रखिएगा प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा एक ही होता है, जो हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। और सीपीयू का तीन पार्ट होता है, क्या क्या होता है? एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तीसरा हमारा है आउटपुट यानी मॉनिटर। तो देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है, हमें क्या चाहिए, हमें 20+30=50 ये हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से 20+30=0 देंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड और माउस की मदद से 20 को प्रेस किए, प्लस 30 हो गई, फिर इक्वल टू, यही हम काम करते हैं इनपुट डिवाइस से। उसके बाद क्या होता है, ये वैल्यू यहाँ से उठकर प्रोसेसिंग के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा अर्थमेटिकल एएलयू और मेमोरी का एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी हमारा सीपीयू में भी रहता है, सीपीयू में हमारा क्या है, मेमोरी है। तो ये डेटा उठकर कहां गया, यानी यहां पर 20+30=2 यहां पर मेमोरी आ जाता है, यानी यहां पर ये डेटा उठकर यहां आ जाता है किसमें, सीपीयू में यानी प्रोसेसिंग डिवाइस में, और यहीं पर आंसर तैयार हो गया। कितना आंसर हो गया, 20+30=50। और ये जो 50 है ये क्या होता है आउटपुट में, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट यहां पर 50 हो जाता है, जो हमारे मॉनिटर पर शो करता है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर पर कोई भी हम वर्क करते हैं तो ऐसे ही हमारा वर्क काम करता है। मॉनिटर का काम क्या हुआ, तो 100 रिजल्ट हमें स्क्रीन, इनपुट का क्या हुआ, यानी इनपुट के मदद से इनपुट डिवाइस की मदद से हम इनपुट देते हैं यानी वैल्यू हम देते हैं। और प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग हमारा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा क्या करता है, मेन प्रोसेस करता है यानी रिजल्ट को तैयार करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम पढ़ क्या रहे, हम इस चैप्टर में ओवरऑल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कंप्यूटर के ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा है स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड मतलब कंप्यूटर फास्ट है, यानी कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा वर्क क्या होता है, फास्ट करता है एज ह्यूमन, यानी हमसे वो फास्ट करता है। अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं हमसे फास्ट करेगा, अगर डेटा एंट्री कर रहे हैं तो हमसे फास्ट करेगा, ये होता है कंप्यूटर का स्पीड, यानी कंप्यूटर में कोई वर्क करेंगे तो फास्टर काम करेगा, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये इसका खासियत है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला क्या हो गया, स्पीड। दूसरा हमारा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सही, अगर हम कंप्यूटर पर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो एरर होने का चांसेस नहीं है। कभी आप कैलकुलेटर पर 20+30 लिखते हैं तो ये हमेशा ही क्या देगा, 50 देगा, कभी गलत दे सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, यानी एक्यूरेसी यानी दम जो भी आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, यानी सही आएगा। तीसरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जो डेटा हम लिखते हैं यानी जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट में उस डेटा का यूज करना पड़े तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या हुए, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है।